नमस्कार, मैं हूं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबरों का सिलसिला जारी है और आपको ये बता दें कि आज उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। देहरादून की बात करें तो देहरादून में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। बता दें आपको कि उत्तराखंड के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं, देहरादून में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसी के साथ साथ घसियारी कार्यक्रम का अमित शाह शुभारंभ भी करेंगे। वहां पहुंचकर गृहमंत्री प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में बैठक भी करेंगे और इसी के साथ साथ ये भी बता दें कि हरिद्वार और ऋषिकेश भी अमित शाह जाएंगे। यूपी का भी दौरा गृहमंत्री ने किया, कल वो वहां पर यूपी के दौरे पर थे और इसी के साथ साथ अब आपको बता दें उत्तराखंड के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं। कल उन्होंने यूपी का दौरा किया था, आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार और ऋषिकेश भी अमित शाह पहुंचेंगे, बैठक उनके द्वारा की जाएगी यहां पहुंच करके। 2022 के चुनाव के लिए लगातार पार्टी कार्यरत है और इसी को लेकर के उत्तराखंड का दौरा गृहमंत्री का होने वाला है। आपको बता दें गृहमंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं, कल उन्होंने यूपी का दौरा किया था। लगातार जो दौरे का सिलसिला है वो जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार कार्यरत हैं। पार्टी को कैसे जीत हासिल हो चुनाव के लिए, ये इसी के लिए लगातार मंथन भी चल रहा है, बैठकें भी हो रही हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां लगातार कोशिश में हैं कि कैसे विजयी हो और इसी को लेकर के उत्तराखंड के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह भी हैं। आज उत्तराखंड के दौरे पर वो रहेंगे।